ललन अच्छी तरह समझा दिया है, ये 50-50 लीटर दे दिया आने जाने के लिए, रात को ही पहुंचाना, चेक पोस्ट पे कोई नहीं होगा। जी ये इतना हल्का क्यों लग रहा है, माल कम है क्या? ये माल लाने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं पता है तेरे को? जितना दे रहा हूं उतने में खुश रहे। अरे ये गाना कौन सुन रहा है भाई? अरे वो घुंघराले बालों वाला ना, उसी का चल रहा है टेप। उससे क्या है, गाना ना बजाए, अगर पुलिस आ गई तो उसका तानपुरा बजा देगी। ओ भाई तेरा ये गाना शाना बंद कर, नीचे आ जा, सुनाई नहीं दे रहा है, नीचे आ जा नीचे। अबे कब से बोल रहा हूं तुझे समझ नहीं आ रहा, चल इधर ये फोन तेरी। अच्छा बहुत चर्बी आ गया तुझे। ए यहाँ क्या कर रहा है, उधर तेरा दोस्त लफड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है ये? शमन, शमन, क्या कर रहा है? रुक, छोड़, मत मारी से। शमन, छोड़, चल यहाँ से निकलते। शमन, मत तो मेरे। मनीष शंकर। ऐसा क्यों किया तूने? हाँ अरे पुलिस भी आ गई है, जल्दी भाग। गणपत बोल रहा हूँ, मेरे बेटे का घर में झगड़ा हुआ और वो कहीं चला गया, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। दीदी, दीदी, दीदी। तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम्हारी बहन का वादा है तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस परिवार में वापस लाकर ही रहूंगी। अब केस जीतना नामुमकिन है, अगली सुनवाई में लगता है हम ये केस कोर्ट में हार जाएंगे।
हारने का सवाल ही नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सर, उन्होंने अपने हिसाब से जाली कागजात बनवाए हैं और इसके लिए बहुत लोगों को पैसा भी खिलाया, यही वजह है। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर वहाँ के रहने वालों को हटाकर कमर्शियल होटल और रिसोर्ट बना दिए जाएं, तो उन लोगों का क्या होगा? देखिए सर, भले ही ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते आए होंगे, लेकिन इनके पास जमीन का कोई पट्टा ही नहीं। अरे भाड़ में गया तुम्हारा पट्टा? वहाँ रहने वाले जानवरों से भी पट्टा मांगोगे क्या? सर प्लीज नाराज मत होइए, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन कोर्ट तो सबूत मांगता है, और फिर उन बिल्डर्स को यहाँ का अपोजिशन लीडर मणिशंकर खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, और इसी वजह से हमारे केस जीतने के चांसेस बहुत कम है। जब हम आए तो वो पहाड़ वीरान था साहब जी, हमने बहुत मेहनत से उसे आबाद किया, वो लोग हमें वहाँ से निकाल रहे हैं, हमारी सारी जिंदगी वहाँ गुजर गई, अब हम कहाँ जाएंगे साहब जी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें हटा नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ, जहाँ हो वहीं रहोगे तुम सब। ये केस हमारे हक में है, तुम सब बेफिक्र रहो। आप ही का आशा है, उम्मीद है आप सब संभाल लेंगे। नमस्ते बिटिया। पंद्रह साल बीत चुके हैं, पता नहीं तुम कैसे दिखते होगे, पहचान पाऊंगी तुम्हें या नहीं। आज के इस शुभ अवसर पर पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे। विधायक जी, क्या मसला है? आज श्रवण का जन्मदिन है, आज उसको घर छोड़े हुए पूरे 15 साल हो गए। पार्वती बेटा, वो फिर वापस आएगा, यकीन करो मेरा। ये जगह खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए ना, ये तो हम लोग की जगह है, कल तक जबरदस्ती करेंगे, हम लोग यहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, बता नहीं है क्या? अपने बाप का राज समझ काम कैसे शुरू किया बे? सर मेरे ख्याल से इस केस का फैसला अपने हक में आने वाला है, अगर काम हमने अभी शुरू नहीं किया तो काम वक्त पर नहीं खत्म होगा। वो तोड़ दूंगा, चल। अपना तामझाम हटा यहाँ से, ज्यादा बवाल किया तो। अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे? मुट्ठी भर लोगों को लाके इतना अकड़ रहे हो? अरे मेरे साथ भी लोग हैं, देख लो। उल्हास, ये सही कह रहा है क्या? माफ कीजिएगा साहब, कब तक हम डर डर के जीते रहेंगे कि हमारा घर उजड़ जाएगा? जो भी मुआवजा मिलेगा हम लेके फारिग हो जाएंगे सर। उल्हास, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? विधायक जी दिन रात तुम्हारे ही कामों में लगे हुए हैं, क्यों आंसू बहा रहे हो? हम पर भरोसा रखो, तुम लोगों की जमीन वापस दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। नेतागिरी नहीं, तुम्हारा ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। चुप, यही काट दूंगा तुझे। मेरे बेटे के साथ तूने क्या किया मुझे पता है। क्या ये सब? इधर ये क्या तमाशा लगा रखा है? इधर जमा होने का परमिशन लिया है क्या? परमिशन है सर, तू मेरे को भागता हुआ दिखना चाहिए। क्यों मणि, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, जानते नहीं हो केस चल रहा है कोर्ट में? इधर क्यों मेला लगा रखा है? जाओ अपना काम करो, इधर किसी ने प्रॉब्लम किया ना सबके नाम पे रिपोर्ट लिखूंगा। अंकल ये सब मैं देख लूंगा। ये कान फूट लेते का है, निकल। विधायक जी वो संभाल लेगा, आप दुखी मत होइए, आइए चलते हैं। लास्ट वार्निंग, इनका हक छीनने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्यों, तुम इनके बाप हो? हाँ हूँ ना, बाप भी हूँ और इनका रहनुमा भी। वाह, जानता हूँ कैसे बाप हो तुम, जो एक नालायक बेटे का बाप हो वो इन सबका बाप बनेगा। सुन लो गाँव वालों, इनका बेटा कहाँ है? भाग गया ना। और हाँ, शादी के लायक इनकी बेटी है, शादी हुई क्या? नहीं हुई। मैं बताऊं क्यों? हट, ये तो नीचे रख, काट कर रख दूंगा। अरे जाना, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, फिर इनकी फिक्र का, इसकी औकात दिखा के रहूंगा। जिस तरह तूने मेरे बेटे को बर्बाद किया उस तरह इन गांव वालों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, बस अब और नहीं। अंकल मैंने कहा था ना मैं संभाल लूंगा, अपने लिए आपसे बात करने की औकात नहीं है, लेके जाओ। जवान,
हेलो। हाँ भाई। अरे पद्मा कहाँ? हेलो सर। नमस्कार, आइए इस तरफ। पिछले कई सालों से आप अपने खोए हुए बेटे की डिटेल मुझे भेजते थे, उसीलिए बुलाया है। शायद 7 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है ना? हाँ हाँ। हम कहीं पूछताछ के लिए गए थे तो आपके बेटे का सुराग मिला। आपने बताया था कि उसे गायब हुए 15 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। वैसे अभी कहाँ है? सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानना होगा। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं विकी हूँ आपका गाइड। हम फोर्टागुड़ा में हैं, इसे 1606 में पोर्चुगीज ने बनवाया। ये एक पानी की टंकी है, दाईं तरफ मांडवी नदी है और पीछे है अरेबियन सी। इसके दो पार्ट हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर पानी की टंकी और नीचे नाविक रहते थे। उनका फोटो ले, मेरा नहीं। टूरिस्ट गाइड है। सिर्फ गाइड मत समझना। फ्रॉड की कोई कमी नहीं है यहाँ। What? Lot of cheating people, your good hotel, cheap price, I get you, I take no commission. Oh, okay. अरे छोड़ो, निकाल, अरे भैया लग रही है। निकाल, मेरा क्या पैसा है? निकाल पैसा। है मुझे। ए, तेरी तो। अब उन पे हाथ उठाएगा? ए, क्या समझ? अरे देखेंगे। निकाल। इतना मारूंगा। फिर देखा तो छोडूंगा ना। चल, बे निकाल। ए, फिर देखेगा तो चकड़ी कबाब बना डालेगा। आजा आजा। ओए, बाकी सब किधर है? अंदर है। आजा आजा, डरने का नहीं। ओए, क्या कर रहे तुम बच्चा लोग? बच्चों, आज से ये तुम्हारा घर है, तुम लोग इधर ही रहेगा। थैंक यू भैया। कुछ आप लोगों के साथ खेल सकते हैं? ठीक है, आजा। ये तो क्या? सॉरी, आई कीप यू वेटिंग। नो नो नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये कैसी जगह है? It's like an orphanage? No, no. This is my house. Oh, nice. मैं भी इन्हीं बच्चे लोग की तरह orphan है। Oh. I make money for these kids only. So sweet. Please accept this for the children. No, 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 no. No, you have to. I insist, please, for the children. You're a nice person with a good heart. Okay. Come, I'll drop you. No, no, no. That's okay. We can manage. Sure? Yeah, sure. We'll see you later. Okay. Bye. Bye. Come, let's go. Bye. क्या मांगता है? रुपया मांगता है। ये डॉलर है बे। तो डॉलर में हिस्सा दे। ये विक्की, गरीब का पैसा हजम नहीं होएगा। भाई डायलॉग मारता है। आज मांग तू चिकन मटन। निकल। बच्चों का हक मार रहा है तू? खुद से घिन नहीं आती? अबे उधार में टी-शर्ट ली थी, पूरी फाड़ दी, देख क्या हाल किया। अब उनके साथ नौटंकी करता, चल ले जा। तुझे पहले भी इत्तला कर चुका हूँ मैं, ज्यादा मारेगा तो भाग जाऊंगा। बहुत लगती है यार। देख दोस्त, जो कैरेक्टर करने का वो लगने का। वो फॉरेनर है, अपन के माफिक नहीं है वो। फील नहीं तो पैसा नहीं। एल मुद्दे पे आ, आज रात भी बासी मच्छी और फेनी पिलाएगा। हेलो, कौन था भाई? ओए फिरंग, बुला रही है।
सुन, मिस्टर जमीर की आवाज आ गया। सोच रहा था तू है किधर। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच होना ठीक नहीं है। ब्रो, ये मेरी क्लाइंट नहीं है ब्रो, माय फैन। सुन, औरतों पर भरोसा मत कर, ऐसा फंसेगा कि निकल नहीं पाएगा। बकवास मत कर कुछ भी। कितने आराम से सोई हुई है, ये परी का बिगाड़ी है मेरा, तुझे क्यों जलन हो रही है। सुधरेगा नहीं तो तू पक्का जेल जाएगा। बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनेगा तेरा। मेरे को जाने का है, तू निकल। तू जा ना। बोला ना, निकलता के। पुलिस को भी येड़ा बना के पेड़ा खिलाना चाहता है, है? माँ, पापा, मैं कहूँ? सर पे चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त वापस आ गई है। क्या वो सच बोल रहा है या फिर उसका कोई दूसरा प्लान है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। नाम क्या है उस लड़के का? हर केस में उसका अलग ही नाम है, विकी, गुरु, अर्जुन, माइकल और भी बहुत हैं। क्या वो इतना बड़ा क्रिमिनल है? यही हमारा श्रवण है, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। बेटा, सर जरा एक मिनट। विधायक जी, मैं जो भी कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, जल्दबाजी मत कीजिए, पुलिस की बात पे गौर कीजिए, वो लड़का बहुत बड़ा चीटर है, देने के लेने न पड़ जाए। सही कह रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसका डीएनए टेस्ट करा ले तो कंफर्म हो जाएगा। देखिए, आपको जो टेस्ट करवाने करवाइए, अरे एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा क्या? मुझे पूरा यकीन है ये मेरा बेटा है, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, आपको जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है करवा लीजिए प्लीज। देखो तो कौन आया है। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा आओ ना, आओ आओ। हाँ आ जाओ, आओ बेटा आओ। देखो बेटा, ये है हमारा घर, तुम्हारा घर। और बेटा देखो, वो है तुम्हारी माँ। Thank you.
अच्छा तो अब पद्मा इसका स्वागत करो। अंदर आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा। अरे आओ ना सब लोग आ जाओ। अरे करण बाहर क्या कर रहे हो, आओ ना अंदर। अरे बेटा देखो करण आया है। कैसा है मेरे यार? अबे क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं क्या? इतने साल हो गए। अरे ये तेरा क्लासमेट था। अरे करण बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बन गया है। कैसे हो अंकल? सब लोग दिख रहे हैं पर ये दीदी कहाँ है? पार्वती को तुम जानते ही हो बेटा, वो अभी भी इससे नाराज है कि ये बचपन में घर छोड़कर क्यों चला। ओ अच्छा, चलो आओ दीदी से मिल लो। अंकल एसपी ऑफिस से फोन आया, मैं जरा अभी। हाँ ठीक है। अरे खाना खा के जाना तुम लोग, पहले इसको मनाओ। किससे मिलने आया है? टीचर से। संभव नहीं, देख नहीं रही हो क्लास चल रही है? अंदर जाना मना है, जब तक वॉशरूम की घंटी ना बजाओ बेहतर है यही खड़े रहो। वॉशरूम की घंटी कब बजेगी? जब तक मुझे जरूरत ना पड़े। अबे ओ हीरो, उसको बोलो उसका छोटा भाई आया है। छोटे भाई है क्या? तब तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मिस ने आपको ब्लैकलिस्ट करके रखा है। चलो दिमाग मत खाओ, जाओ। अच्छा छोटा बम आवाज बड़ी, अरे हट। थोड़ा रुकिए ना, आप इसकी शरारत जानते हैं ना, थोड़ा वक्त दीजिए सब ठीक हो जाएगा। श्रवण बेटा ये है तुम्हारा रूम, याद है कि नहीं? और वो रहा तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम, याद है इसके लिए कितनी जिद की थी? तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी बहन ने देखो रूम को कैसे सजा के रखा है। उसकी बात को दिल पे मत लेना, वो तुमसे बहुत ही। अच्छा अच्छा, पहले इसको थोड़ा आराम तो करने दीजिए। बेटा मैंने गीजर ऑन कर दिया है, तू जाकर जल्दी से फ्रेश हो जा। और हाँ, तौलिया अंदर रखा है, अपने साथ लेकर जाना। चलो मिलते हैं। अबे ओए क्या है बे, कैसा चल रहा है? मेरा एक्टिंग देखा नहीं? चुटकी में सबको पढ़ा लिया। अगर करण जोहर अपन को साइन किया ना तो सुपर हिट हो जाएगा। बकवास। मतलब दीदी को नोटिस किया, उसने तुझे घास नहीं डाली, लगता है यहाँ उसी की चलती है, उसे यकीन दिला। वैसे पहली बार तू काम की बात बोला है, मैं मानता है। क्या बे, पुलिस वालों के साथ तेरा बड़ा याराना लगता है। यहाँ पर भी एक है जो रोज रोज तेरी बजाएगा। यार कभी तो अच्छी बात किया कर, हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है। तेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सुराग है, कब तक विकी श्रवण बन के रहेगा? हाँ तो जो 15 साल पहले गायब हो गया उसे मैं कैसे जान सकता हूँ? अबे लुखे, ये उसी का कमरा है, जा काम पे लग जा। हाँ यार स्मॉल साइज, वो मेरा जैसा नहीं था, दुबला था। माइकल जैक्सन का फैन, मेरे माफिक डांसर। बेकार, इसमें क्या है? अमीर छोकरे का लव लेटर, संजना। पार्टी की प्रेमिका है, भगोड़े की भी एक छावी थी, अपुन तो फोकट है। उसकी औकात थी तो उसने रखा हुआ था, तू अपने धंधे पे ध्यान दे। इसका तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है, पार्टी मस्तीखोर लगते है। और कुछ नहीं मिल रहा, लगता है छोकरा फालतू था। यह तो कुछ नहीं है, अब तेरा क्या होगा, अपुन कर भी क्या सकता है? बस चुपचाप सबकी बात सुनेगा, इतने साल से नहीं मिला है तो वो इच लोग याद दिलाएगा, उनके लिए वो इमोशन है, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपुन एक्टिंग करेगा। कितने दिन करेगा ये? अरे जाने दे, ज्यादा नहीं चलेगा नाटक, मोटा माल लेके अपुन इधर से खिसक लेगा। इतना आसान समझता है? तेरे सामने दो प्रॉब्लम है, एक वो शक की पुलिस वाला, दूसरी वो डायन तेरी बहन, तुझे उन दोनों को संभालना होगा। ये इतना आसान होता तो मुझे यहाँ बुलाता क्या? अगर उन दोनों से नहीं कपुलवाया कि मैं श्रवण हूँ तो अपन का नाम भी श्रवण नहीं। ओ बेवकूफ, तू विक्की है। हाँ ठीक है। ये मेरे को कहीं को घूर रही है, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। नहीं।
माँ जी आप यहाँ कैसे आ गईं? ये तुम्हारी दादी हैं। दादी जिंदा है? मुझे लगा वो नहीं रही। माँ जी ये है आपका पोता, पहचाना ना आपने? श्रवण। हाँ दादी ऐसे कैसे हो गई? माँ जी को लकवा मार गया है, ना तो ये सुन सकती हैं, बढ़िया, और ना ही बोल सकती हैं, और भी बढ़िया। ये सब कब हुआ? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तू जाकर जल्दी से फ्रेश हो जा, खाना तैयार है, आ जा। हाँ। तुझसे कोई डर नहीं है, बस माँ। अच्छे से खाओ ना बेटा, आज इतने सालों बाद मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला पा रही हूँ, ये लो। दीदी नहीं दिख रही? तुम अपनी दीदी को अच्छे से जानते हो ना, वो कहीं ना कहीं जरूर बिजी होगी। आप कहें तो मैं जाके बुला के लाऊं? अरे नहीं नहीं, तुम अपना खाना खाओ, उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं, जब उसका दिल करेगा तभी आएगी वो। हाँ बेटा तुम बस अपना। पद्मा माँ पानी पीना चाहती है। आपको कैसे पता चला? ये ना बोल पाती है ना सुन पाती है, पर अपने मन की बात हमें ठीक से समझा देती है। तो फिर वो हमारी बातें कैसे समझती हैं? यही तो इनकी हॉबी है, ये हमारे होंठों को पढ़कर हमारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ जाती हैं। दादी माँ तो येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। क्या लगा क्या? लिखो ना, जरा मुझे पढ़ाओ ना क्या लिखा है, दिखाओ क्या लिखा है, मुझे दिखाओ ना। दादी लिखना सीख रही है, ई सबसे पहले नहीं आता, पहले आता है, उसके बाद आता है, उसके बाद ई आता है। पानी मांगता है थोड़ा? नहीं पीना? ठीक, मेरे को सोने का, बहुत थक गया है। गुड नाइट। बुढ़िया को एक दिन खोपचे में लूंगा। अभी तक तो तुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तेरे आने से यह सब खुश है। बहन ऐसी होती है, हिला देगी बस तो नहीं गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमु देवु सुकारिषुषु सर्वदा ओम गण गणपते नमो नमः। लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगुदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। छोटे सरकार लौट आए, अब जो भी होगा कुशल मंगल होगा। बस आशीर्वाद दीजिए पंडित जी।
अंदर की तरह क्या देख रहे हो? मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं हूँ संजना। संजना तू कितना बदल गया, कितना हट्टा कट्टा हो गया। तुझे पता है मैं एक मेडिकल कैंप में थी, जैसे ही मुझे पता चला तू यहाँ है मैं तो आ गई। पर मैंने सुना है तुझे चोट लगी है कहीं? हाँ, थोड़ी सी याददाश्त की प्रॉब्लम है। अरे टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, आई एम अ डॉक्टर। अच्छा, अरे हाय अंकल। डॉक्टर साहिबा, आप कब आई? आज ही आई हूँ। इसने तुम्हें पहचाना कि नहीं बेटा? कहाँ पहचाना, भूल गया मुझे भाई। लेकिन फ्लाइट तो रात की थी ना। हाँ पापा, बस सुबह की फ्लाइट मिल गई तो आ गई। आओ। अबे कहाँ जा रहा है, रुकना इधर। पर पापा, बहुत सारी बातें करनी है, आओ मेरे साथ। संजना। हाँ पापा, अभी आई, शाम को मिलते हैं, बाय। अभी तक तो दो मुसीबतें थी, अब ये तीसरी खोपड़ी पर आ गई। तीन फ्लोर से ज्यादा की मंजूरी नहीं है सर, लेकिन बेसमेंट में दो फ्लोर कोने में बना सकते हैं। मैं पूरी बात समझ गया, हम कोई पहली बार बिल्डिंग खड़ी नहीं कर रहे, अभी इस डिस्कशन का करेक्ट टाइम नहीं है। जब तक वो अकड़ू गणपत है, इस प्रोजेक्ट का शुरू होना बहुत मुश्किल है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस इसी तरह चलता रहा और गांव में रहने वाले बाशिंदे जंगल में जाकर शहद और लकड़ियां बटोरते रहे तो मुश्किल हो जाएगी, और कहीं सरकार ने कोई आदिवासी कानून लगा दिया तो ये केस उनके हक में चला जाएगा, फिर कहना मुश्किल है। उसी के लिए तो सोच समझ कर चलना होगा, आने वाला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे, एक बार इलेक्शन जीत जाए तब तुम्हारा काम करेंगे। भाई जी, वो श्रवण गणपत का बेटा वापस गांव लौट आया है। श्रवण? हाँ वही। मनीष शंकर। श्रवण। ए लुक्के, क्यों भटक रहा है बाहर? कुछ नहीं। तो फिर अंदर आना। चल चीनी का डब्बा दे जरा। इसलिए बुलाया मुझे? अरे फालतू घूम रहा है, काम कर थोड़ा। अरे नमक है वो। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली में सबको अपने टाइप की ही चाय चाहिए। अंकल को शक्कर कम, आंटी को ब्लैक टी, मेरे पापा को लाइट टी, और तुम्हारी दीदी को चाहिए डबल कड़क। हाँ भाई, मिजाज भी जबरदस्त कड़क है, घमंड है, गुस्सा है। मुझसे गुस्सा क्यों है? अच्छा बेटा, तो क्या करे वो, तुम तो आराम से घर छोड़कर भाग गए थे। पता है जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारी माँ एक साल तक हॉस्पिटल में रही थी, तुम्हारे पापा राजनीति में लोगों के साथ बिजी रहते थे, तो दीदी ने तुम्हें बड़ा किया ना, तो उन्हें बुरा लगेगा कि नहीं? अगर मैं उनकी जगह होती ना तो खून कर देती तेरा। ओहो, नमक फैल गया, ये तो अपशगुन हो गया। अगर पापा को पता चल गया तो जान ले लेंगे, अब क्या करूं? मैं वहां चाय लेके जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं साफ कर लेती हूँ। पता नहीं कैसे कि क्या, भगवान आज कुछ बुरा मत करना प्लीज। पापा को शुगर कम चाहिए, माँ को ब्लैक टी, और संजना के पापा को लाइट टी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। श्रवण बेटा, चाय बहुत अच्छी बनी। वो तो बनेगी ना पापा, चाय की टपरी में जो काम किया है। तू जो वहाँ टपोरी लैंग्वेज बोलता था वो यहाँ मत बोलना। वो यहाँ कौन समझेगा। कड़क चाय। दीदी कहाँ है? मिस, मुझे कुछ कहना है। आपके छोटे भाई को देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। क्यों? आपका भाई जो है ना, वो पक्का चोर लगता है। ए सॉरी मिस, मेरे से गलती हो गई, आपका भाई महान आत्मा है और चोर भी। मिस मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आदमी घोटाला करके पुलिस से बचने के लिए यहाँ आकर छुप गया है? बदमाश कहीं के। बेटा पार्वती, तुम पढ़ाई शुरू करो, मैं भी। ठीक है। आइए दीदी। क्या बात है? आज तो तेरे छोटे भाई ने चाय बनाई है, जरा पी के तो देख। पियो डबल कड़क। पी लो ना। अब जब ये नहीं था तो कितना याद किया करती थी, अब सामने है कम से कम बात तो कर। क्या बात करूं मैं इससे, 15 साल पहले ये हम सबको छोड़कर अचानक चला गया, अब ये कहता है कि इनका बेटा और मेरा भाई है, तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? दीदी का गुस्सा सही है अंकल, मेरे पैदा होते ही माँ साल भर के लिए हॉस्पिटल में थी, तब दीदी नहीं तो पाला था, अब मैं बिना बोले भाग गया तो दीदी का गुस्सा सही है। घटिया चाय थी।
अरे श्रवण, क्या चाहिए तुम्हें? सुना श्रवण वापस आया तो उसे मिलने चला गया। तो चल जा यहाँ से। नाराज मत होइए बस उसे। मैं नहीं चाहता यहाँ झगड़ा हो, चल जा यहाँ से। झगड़ा करने नहीं आया हूँ। अब हो गया ना, चलो निकलो यहाँ से। माँ, दोस्त से मिलने चला आया। ये कौन है? मणिशंकर, इसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। मेरा बस चले तो मैं इसे यहीं गाड़ दूं। यही है जिसने तेरी जिंदगी तबाह की है। माँ थोड़ा साइड हटो। क्या करेगा? जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन तो तेरे साथ ही था ना। ये बात मैं उससे खुद पूछना चाहता हूँ। बुलाइए मणिशंकर। अरे क्यों आया यहाँ? श्रवण निकल यहाँ से। क्या हो गया तुझे? हिम्मत कैसे हुई? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निकल यहाँ से। सुनो बेटा, अरे मेरी बात तो तेरी वजह से बर्बाद से दूर रहा मैं। अरे रुको श्रवण, मेरी बात क्यों जाने के लिए कह रहा है? दीदी भी मुझसे बात नहीं करती। बिना मतलब अपने दोस्त को मारेगा? दोस्त नहीं दुश्मन है, तूने मुझे धोखा दिया है। चल निकल यहाँ से। अरे सुन, तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, देख लूंगा तुझे। जो करना है कर ले, निकल यहां से। दोबारा मत आना। सब मुझे घूर क्यों रहे? ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? चलो ये भी संभाल लूंगा। हेलो लड़की, हुई कहाँ चली जा रही हो? अभी तो स्कूल की घंटी भी नहीं बजी, तुम कहाँ घुसी चली जा रही हो? बाप रे, पढ़ाई को लेकर मैंने किसी बुढ़े को इतना सिंसियर नहीं देखा। तुम स्लेट छाती से लगा कर सोती हो क्या? इधर दिखा। ये श्रव क्या लिखा इसने? किसी बात की उल्टी करनी है? ये अपने मन की बात कहने की कोशिश कर रही है, मैं इसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एनीवे, ऑल द बेस्ट। डेली दीदी कहाँ आती है पता करना था ना तुझे? देख ले यहाँ आती है। हो गया टाइम पास, चला वापस। अरे रुको ना, देखो दीदी कितनी अच्छी घुड़सवारी कर रही है। दीदी बहुत बढ़िया, सुपर। दीदी पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है। और तूने सोचा ताली बजाने से गुस्सा चला जाएगा? अरे बेटा, मैं तुम्हारा चाचा, पहचाना? ये दाढ़ी आपकी काफी सफेद और आप तो बदल। अरे बिल्कुल सही पहचाना, मैं बादल ही हूँ। बादल सिंह, तेरा चाचा। आप कैसे? मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, वो सब बातें याद है ना? आपको कैसे भूल सकता हूँ, घुड़सवारी आपने तो सिखाई थी। सब भूल गया तू। याद है तेरे घोड़े को एक बार क्या छुआ था कि तूने मेरे कॉलर को ऐसे पकड़ कर हिलाया कि मैं जाते जाते बचा था? वो क्या है कि कोई मेरा घोड़ा छुए मुझे पसंद नहीं। कैसा है बड़ी, बहुत मिस किया मैंने तुझे। अरे बेटा वो घोड़ा तो कब का निकल लिया, मर गया? Okay, सेम कलर का था इसलिए कंफ्यूज। वो तो सफेद था। इतना भी झूठ मत बोल बेटा। सफेद था और क्या, कितने दिन हो गए ना। होता है, होता है। आज इसकी सवारी कर ले बेटा। नहीं अभी नहीं, मुझे अभी जाना है। तुम कहीं जाना चाहती थी ना? नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अरे बिटिया ने भी कह दिया है। अरे तुम जाओ सवारी करके दे, कुछ भी दे देना ऑनलाइन। लगता है सेनापति युद्ध लड़ने जा रहा है। अरे कालू क्या कर रहा है, बनना बनी नहीं हुई अभी तक, हिलता ही नहीं है। अरे जरा प्यार से पेश आओ, जरूर हिलेगा। लगता है इसे मैं पसंद नहीं हूँ, मैं नीचे उतर जाता। अरे नीचे नहीं, नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर ठीक। घुड़सवारी एलेक्स। ये पकड़ा गया। गया कौन से? चलो अच्छा हुआ। हे अरे मर गया रे। ये भी अजीब टेढ़ी लड़की है।
वही कैसा लग रहा है अब? बिल्कुल वैसे ही। यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तो समझ में आ गया ना, सिर्फ मैं ही तेरी फिक्र करती हूँ। एक्सरे देखा मैंने, फ्रैक्चर हुआ ही नहीं, सिर्फ सूजन ही आई है। तो रुक, मैं गर्म पानी लेके आती हूँ। ओके एक घंटे, तेरे को दिखता नहीं कि मुझे इतनी गंभीर चोट लगी है, और तू मुझे बिना देखे चला जा रहा है। तुझे नहीं जानना कि मुझे क्या हुआ था? हाँ बता। अब रहने दे, जा। फुकट में क्यों बुलाया तूने? बहुत बेकार आदमी हो। एक घंटे, तूने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सीखी? पहले रिस्पेक्ट देने का फिर लेने का। मुझे नहीं लगता तेरे दिमाग में कुछ घुसी। एक पंगा मत ले, इस वक्त मुझे बहुत दर्द है, तू निकल ले। दर्द यहाँ पर है क्या? ये ले दवाई। शैतान कहीं के। लो, एक और आ गई। आठ साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक सब जहरीले हैं यहाँ पे। ये अंकल आंटी कहाँ चले गए? पता नहीं। तो सीधे बैठना, हिलना मत, वरना चटका लगा दूंगी। तू यहाँ है? ये चोट कैसे लग गई? क्या हो गया? घुड़सवारी के चक्कर में लग गई। तू तो घुड़सवारी का चैंपियन था यार। हैं? आदत छूट गई है। घोड़ा होता तो मैं संभाल लेता, पर वो गधा था। ए हाय करण। हाँ दीदी। आज यहाँ कैसे? हाँ दीदी, वो श्रवण से भी ठीक से मिल नहीं पाया था, इसलिए आज छुट्टी ले ली मैंने। चल बाहर घूम के आते हैं। नहीं, बाहर कैसे जाएगा, सूजन है पैर में। हाँ तो मैं हूँ ना, जीप में ही तो जाना है। दर्द हो रहा है। देखा, दर्द हो रहा है इसे। अगर और सूजन आई ना तो इसका पैर टंगा के रखना पड़ेगा। संजना। हाँ दीदी। उसके पैर को छोड़ो और यहाँ आओ। हिलना मत, मैं अभी आई। अभी तो खुद चलेगा, ये तुझे उठा के लेकर। रहने दे, मैं कोशिश करता। हाँ, यहाँ यही है। क्यों? चलो सर। ये कौन सी जगह है जानता है? जानता हूँ, जंगल है। रोज स्कूल की छुट्टी के बाद यहीं तो आते थे। हाँ? लग तो नहीं रहा, टोटल बदल गया है। 15 साल में तो चीजें बदल ही जाती हैं। एक बार 8th क्लास में एग्जाम के बाद खराब मूड में आए थे ना यहाँ पे। हाँ? मूड खराब था? हमारे एग्जाम खराब हुए थे इसलिए हमारा मूड खराब था। मैं तो फेल होने के डर से रोने लगा था। तू रो तड़ोता बच्चों की तरह रो देता था। साइंस का एग्जाम था या मैथ्स का? मैथ्स। हम दोनों की मैथ्स से पढ़ती थी। मैथ्स टीचर का नाम याद है तुझे? ये तो पीछे ही पड़ गया। वो काला सा चश्मा पहनते थे, मोटा पेट था, वही ना? वो तो फिजिक्स वाले नवीन सर थे। हाँ? मैथ्स तो ज्योति मैडम पढ़ाती थी, क्या लाफे लगाती थी, भूल गया? ज्योति मिस, यादा यादा, रे बाप रे, क्या पिटाई करती थी। तू तो एग्जाम में फेल होने के डर से ट्रेन पकड़ के मुंबई भागना चाहता था, मैंने ही तो रोका था तुझे। यार मैं तो बचपन से ही ट्रेन से मुंबई जाना चाहता था, पर तुम रोक नहीं पाए। आखिर देखो, मैं मुंबई तो चला ही गया। अब पुरानी बातें जाने भी दो। ये कौन है तू? मैं हूं श्रवण। थप्पड़ क्यों मारा? करण। ओए श्रवण, मुझे कभी करण के नाम से नहीं बुलाता था, मुझे वो भोंदू बुलाता था। भोंदू? मैं ही सर्वन हूँ, विश्वास कर। लोग आज तक इस जगह पर कभी नहीं आए। ट्रेन की आवाज से उसे डर लगता था, बेहोश होके गिर जाता था। बोल बे, कौन है तू? हाँ उठ। अब ठीक लग रहे हो? दो। मैंने इनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख ली है, ये बहुत ही मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सर, किसी एमनीशिया पेशेंट को जोर जबरदस्ती से उसे याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ये बचपन से ही ट्रेन की आवाज से डरते हैं, आप शायद भूल गए, दोबारा इसे याद मत दिलाइए। पर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? करण, आओ कुछ बात करनी है। मेडिसिन देना। सिस्टर, जूस। करण तुम पागल हो गए हो? मैं बताती हूँ दीदी, इसे श्रवण से मेरा मिलना अच्छा नहीं लगता है।
संजना ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर ये वाकई श्रवण होता तो मुझे क्या दिक्कत थी, ये पक्का कोई फ्रॉड है। करण, मैं जानती हूँ कि तुम हम सबके बारे में बहुत सोचते हो और इसीलिए शायद तुम्हें उस पर शक हो रहा है, लेकिन जब से वो लौटा है ना, मम्मी पापा सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर दीदी, और मैं चाहती हूँ वो वैसे ही रहे। अरे मगर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी शक था उस पर दोनों बार उन दोनों के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे। अब इससे बड़ा सबूत और हम क्या माने। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कैसे पापा? घुटने में दर्द के बहाने बहुत दिनों बाद तुम्हारी माँ से इश्क लड़ाने बैठा हूं। ए बुढ़िया, मेरे से कुछ खेल खेल रही है। बहुत शानी है तू। ठीक है, हाँ? देखा, ये श्रवण नहीं है। मुझे लगा था तू मुझ पे शक कर रही है। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है बुढ़िया? तो मेरी हकीकत सबको बताना चाहती थी ना? तो ले, मैं तेरे इरादों पर पानी फेर देता हूं। अब सुन, स्कूल के बच्चों की तरह अगर तू ये स्लेट गंदा करेगी ना, तो ये जो व्हीलचेयर है ना, खाली हो जाएगी। नमस्ते सर, सब मजे में? इतना अर्जेंटली बुलाया, कोई खास बात? यहाँ आया हुआ था, सोचा मिलता चलो। अबे चिंदी चोर, अब तू श्रवण है यार। चल इधर आ। सर वो पुरानी आदत है इसलिए। पापा जी ने दिए। लगता है बुड्ढा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तू भी मजे ले रहा है? कैसा मजा सर, खाने में मिर्च और नमक बहुत कम है, दारू भी बंद है। यहाँ ले ले। अरे नहीं नहीं, रिस्पेक्ट दे रहा है। दो हफ्ते पहले फोन किया था तुझे, फोन क्यों नहीं उठाया? बहुत बिजी था। आप तो मेरी हालत जानते हैं, सोते जागते एक्टिंग ही करनी पड़ती है। वो मुझे अपना रहे हैं, आप इतने उतावले मत होइए। मैं उतावला हो रहा हूँ? अपनी एक्टिंग से सबको उल्लू बनाना तेरे लिए नया है क्या? सर ये बताइए ना, अभी भी बहुत से केस हैं जिनमें मेरा नाम है, वो आप कब निकालेंगे सर? तुझे बस हर वक्त अपनी फिक्र है, मेरे बारे में भी सोचता है क्या? जैसे होगा दे दूंगा सर, वो विश्वास करने लगे हैं अब। अगर अभी हमने कुछ किया तो 40-50 लाख ही मिलेगा। इतने में आजकल क्या होता है सर, गणपत की इकलौती लड़की है, वो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उसकी शादी होगी सारी जायदाद मेरी, तब 50-50 कर लेंगे। भरोसा कैसे करूं, तुम फ्रॉड हो, खुद किसी लड़के को तैयार करके उसकी शादी करा दो, काम भी जल्दी हो जाएगा, जायदाद भी तुम्हारी हो जाएगी और मैं भी छूट जाऊंगा। सर मेरा टाइम हो रहा है सर, पापा के पार्टी ऑफिस पहुंचना है। यू डोंट वरी सर, थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मिलते हैं। ए चैप्टर, हाँ ये प्लान बी प्लान सी नहीं चलेगा। यहाँ के इंस्पेक्टर करण को शक हो रहा है तुझ पर, तेरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर ये दिखा दूं तो तेरा पैकअप। पापा आप चलिए, भी बहुत भूख लगी है। रहने दो, मन नहीं है। अंदर क्यों जा रहा है? पापा को बुलाने जा रहा हूँ। पापा ने कहा है कि उन्हें नहीं खाना है, वो नहीं आएंगे। अरे मैं बुलाऊंगा तो आएंगे। मैंने बुलाया पर उन्होंने मना किया। ऐसे बुलाओगे तो कौन आएगा? आप जाओ, मैं लाता हूँ। पापा चलो खाना खा ले। भूख नहीं है। चलो ना पापा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, दिल हल्का हो जाएगा। क्या परेशानी बताइए। तुम जाके खा लो, मुझे इच्छा नहीं है। आपको देख के मुझे महसूस हो रहा है कि आप बहुत चिंता में। आप मुझे बताइए, मैं आपका बेटा हूं। गांव वाले बेचारे पहाड़ पर रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी हलकान हो गई है।
अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो मुआवजा लेकर उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी। कुत्ते के सामने रोटी फेंकने जैसा। इन्हें कहीं और बसने के लिए कहा जाएगा। अनजान जगह पे वो कैसे जिएंगे? तालाब की मछली समंदर में कैसे जी सकती है? उनके लिए आखिरी उम्मीद है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। कल अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पापा, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? समझ लीजिए, वो रिसॉर्ट नहीं बना पाएंगे। हम किसी भी हालत में उस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने गोवा में कई गुंडों को झेला है। चलिए आप कुछ खा लीजिए। नहीं श्रवण, तुम लोग खा लो। पापा, मैंने दीदी से शर्त लगाई थी कि मैं आपको खाने पर लेकर आऊंगा। मेरी वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप नहीं चले ना तो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। आपके पैर पड़ता हूं पापा। चलो खाते हैं। किसी ने कहा था कि पापा खाने के लिए नहीं आएंगे। पापा आ गए। खाना रेडी है ना? पापा, हाँ। मेरी तरह आप भी टैटू बनवा लीजिए। दूंगा एक खींच के। इस उम्र में टैटू शैटू। और सुना है कि बनवाते वक्त बहुत दर्द होता है। कुछ नहीं होता पापा, बस एक दारू लगा के बैठ जाइए। कैसा बेटा, बाप को शराबी बनाना चाहता है, बताओ। ए सुतली बम, अब क्या हुआ? इधर आ। जब स्कूल नहीं है तो तू किधर जा रहा है? दादी को मुझे स्लेट देना है। तो तू हथियार सप्लाई करता है। इधर से बैग में क्या है? उतार। इधर से। मुझे पहले से शक था कि तुम चोर हो। मैंने टीचर को बताया था लेकिन वो मानी नहीं। ए ठीक है, ये खट्टी इमली है, मिस को देने जा रहा हूँ। गिफ्ट देना है उनको। तू मिस को गिफ्ट क्यों देगा? ठीक है, तू पूछ रहा इसलिए बता रहा हूँ। किसी को बोलना मत। एक माली पे आ। माँ, घर के पास एक पेड़ था ना, वहां से लाया खास तुम्हारे लिए। अरे ये तो मेरा। चुप कर।
अरे भाई यहाँ पे देखो। दादी ये देखो। अब मैं आओ दीदी। अरे नहीं 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 इप आजा 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 नाचो ना। दादी को भी मना लिया। घर में अगर ऐसा माहौल हो तो। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना बताए बहन की शादी कर रहा है। उसका बर्थडे है, आपने पी रखी है क्या? वो आ रही है। आइए जीवानंद साहब। गुड इवनिंग सर। नमस्ते, आपसे मिलने आया था। सच में? बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेता हूं। आइए। हाँ जी सर। बड़े खुशगवार मौके पर आया, नाच गाना, आप सब बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, ईश्वर की कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक नहीं है सर। क्या जीवानंद, पुलिस वाले हो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? पुलिस वाला हूँ इसीलिए तो प्रॉब्लम है, अगर अपराधी होता तो खूब पैसे बना रहा होता। थोड़ा खुल के बताओ क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्प कर सकते हैं? इस काम के लिए जितना तय हुआ था उतना तो मैं दे चुका हूँ। हाँ पक्के जेंटलमैन, वादा पूरा किया। अपने खोए हुए बेटे के तौर पर एक आदमी मांगा था, मैंने तुरंत दे दिया। पर विक्की को श्रवण बनाने के लिए डीएनए टेस्ट में जो हेरा फेरी करनी पड़ी उसमें बहुत पैसे लग गए। आपका यहाँ का इंस्पेक्टर करण, उसने बहुत सारे प्रूफ मांगे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े, उसमें बहुत पैसा लग गया। उम्मीद करता हूं आप दोबारा अपनी शक्ल दिखाओगे नहीं। अगर अब तुमने मुझसे चालाकी की तो आगे तुम जानते हो। थैंक यू सर। सर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आपका असली बेटा लौटा है तब क्या करेंगे आप? लेकिन अभी तक तो लौटा नहीं, और लौटने के लिए 15 साल नहीं लगते। थैंक यू सर। अरे तू टेंशन मत ले, उसे पूरा विश्वास है तेरे पर। मेरी बात याद है ना, चलाता हूं। जरूरत नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, आप बैठिए। कहीं मैंने गलत इंसान पर जुआ तो नहीं खेल लिया? ये कहाँ ले आई दीदी? ये गांव हमारा है और उस जमीन के लिए केस चल रहा है। कैसी हो बिटिया? अब ठाकुर साहब कैसे हैं? सब ठीक है। सुना था उनकी तबीयत खराब थी, अब बिल्कुल ठीक है। उनको मेरा नमस्ते बोलना। जरूर। मुझे तो आप पहचानते हैं ना? आपको सभी जानते हैं। माधुरी दीदी। अरे आप, इतने सारे नाम कैसे याद रहते? कमाल की मेमोरी है तुम्हारी। 14 सालों से ही नहीं जानती हूँ, तुम्हारे जाने के बाद 1 साल तक घर से नहीं निकली। फिर एक रोज पापा यहाँ ले आए, जब इनकी परेशानियों के बारे में सुना तब लगा कि मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। तुम तो इस तरफ आते ही नहीं। हाँ, आजकल काम में मशरूफ रहती हूँ। अरे वो बदमाश का है, नजर नहीं आ रहा। ए चिंटू इधर आ। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। तो तू यहाँ रहता है? सही समझा, ये तो हरदम मस्ती करता रहता है। सुबह जंगल जाता है तो शाम को ही लौटता है, स्कूल जाता है तभी शांति रहती है,
सिर्फ आप ही की सुनता है, जरा समझाइए ना। चलाओ। अच्छा तुम जा सकते हो, 5 बजे ड्राइवर को भेज देना। मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हारा पति क्या करता है आजकल, शराब पीता है? आपने समझाया ना, पीना छोड़ दिया है। लॉरी का नंबर देखा था क्या? नहीं देखा। उस लॉरी पे कुछ लिखा हुआ था? उस वक्त कुछ नजर नहीं आता। सच में तुम्हें वो लॉरी मारने आई थी क्या? हाँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे हमदर्दी कमाने आए हो? बोधू कैसी बात कर रहा तू? मुझे फोन तू बोला तो खा लू, उधेड़ लूंगा। मैं बताता हूँ असल में क्या हुआ होगा। तूने खुद गाड़ी खाई में गिराई और अब मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है कि कोई तुझे मारना चाहता है। तुझे लगता है कि इससे मेरा शक मर जाएगा कि अरे बाप रे मेरा दोस्त मुसीबत में है? तुझे लगा होगा मैं तुझे बचाने आऊंगा? तू इस शहर में वापस क्यों आया है मैं सब समझता हूं। तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बेटे, फंसने वाला है तू। चल भाग यहां से। अपना काम निकालने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, हमें उनसे निपटने के लिए उनसे एक कदम आगे रहना होगा। श्रवण, मैं फोन करता हूं। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक तो है ना? घबरा मत मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो रिजॉर्ट वाले बिल्डर की हिम्मत बहुत बढ़ गई है श्रवण। काफी दिनों से वह गांव वालों को परेशान कर रहा है, अब उनके निशाने पर हमारा परिवार। छोड़ी ना पापा ये सब। नहीं श्रवण, आज उसने मेरे बेटे पर हाथ डाला, अगर उसे छोड़ दिया तो लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब तो सब कुछ करने के लिए आजाद है। पापा, क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। श्रवण को अपने पॉलिटिक्स में मत घसीटिए। ऐसी घटनाएं पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। पापा, दीदी, पापा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम उससे डर के घर में चुप नहीं बैठ सकते। एक बार मैंने कहा ना नहीं। ये सब हम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। पापा, क्यों तुम? दीदी टेंशन क्यों ले रही हो? बीच में मत बोल, तू कुछ नहीं जानता। पापा आज के बाद श्रवण से पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं होगी। आप अपने पॉलिटिक्स की वजह से श्रवण की जान को खतरे में मत डालिए। तू कमरे में जा, सुना नहीं क्या तूने? कहिए। नमस्कार, मैं मणिशंकर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सर, मुझे दोबारा शक्ल तो नहीं दिखानी थी, पर एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। कहाँ? आप यहाँ कैसे? कार कहाँ है? शॉर्टकट से आया। यस आई नो, आप हमेशा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। पियेंगे क्या? पॉइंट पर आओ। थैंक यू सर, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी अपने भाई को भूल नहीं पाई है और उसने शादी करने से मना कर दिया, तो तुम्हें उसके लिए एक छोटा भाई चाहिए।
उतना तो मैंने कर दिया। फिर तुमने कहा कि उसकी शादी हो जाने के बाद तुम सब लोगों को बता दोगे कि वो गहना पैसा चुरा कर भाग गया। मैंने भरोसा कर लिया। लेकिन दो दिन पहले जब मैं ऑपोजिशन लीडर मणिशंकर से मिला था। हाँ, फिक्र मत करो, अभी तक कुछ नहीं बताया। पर उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। तब जाके मेरी समझ में आया कि यह सिर्फ तुम्हारी बेटी की शादी की बात नहीं है। 15 साल पहले लोगों को एक ऐसे बाप से हमदर्दी हुई जिसका बेटा खो गया और उन्होंने खूब वोट देकर तुम्हें जिताया था। उसी हमदर्दी का बार बार फायदा उठाकर तुम 3 बार MLA बने। लेकिन अब लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो अपने बेटे को नहीं संभाल सका वो उन लोगों को क्या संभालेगा। इस बात से तुम्हारी इमेज खतरे में पड़ गई और तुम डरने लगे कि इस बार तुम इलेक्शन हार जाओगे। तब तुमने एक सड़ेला प्लान सोचा। अगर तुम्हारा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए तो तुम्हें एक राजनीतिक वारिस मिल जाएगा, लोग तुम्हें वोट देंगे, तुम इलेक्शन फिर जीत जाओगे और अपनी लड़की की शादी भी कर दोगे। तुमने मुझसे 2 काम कराए, गधा समझ रहे हो तुम? अब कितना चाहिए? बार बार आके पैसे मांगना, इट्स नॉट कंफर्टेबल टू मी। 1 time settlement, 2 crores। एक कमी है, फिर भी दोस्ती के नाते छूट दे दी मैंने। डील ओके? करोड़? यस। करोड़? चल 2 लाख दे देता हूं, लेके तफा हो जा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, तुम जाओ। मणिशंकर को मैंने बुलाया है, अगर हमारी डील हो जाती तो मैं उसे खिला पिलाकर गुड बाय कह देता, बट अब तो पोल खोलनी पड़ेगी। तेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि मेरे लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। आप हैं एक खराब पॉलिटिशियन और मैं एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। विक्की के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारी टेलीफोनिक बातचीत, सारे रिकॉर्ड्स हैं। मणिशंकर आ गया है, अब तुम कट लो। तेरी कमीनगी मुझे पता है, तूने मुझे क्या समझा था, मैं बेवकूफ हूं? जीवानंद जी, जीवानंद जी, इस रास्ते से कोई गाड़ी गई? सर, मैंने कोई गाड़ी जाते हुए नहीं देखी। प्रोटेक्टेड एरिया है, जाने के लिए परमिशन चाहिए। प्लीज सर, डिक्की खोलिए। अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? सर्विलेंस एरिया है सर, सारी गाड़ी चेक करनी पड़ती है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ठीक है, खोलता हूँ। सर ये क्या है? अरे क्या क्या है,
सर, इसलिए डिक्की नहीं खोल रहे थे? मैं नहीं जानता सर। किसकी लाश है ये? कसम से मैं इसे नहीं जानता, पता नहीं ये कहां से मेरी कार में आ गया, मैं सच बोल रहा हूँ। पुलिस चौकी फोन लगा। तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे रे 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 रे। आज सुबह ही तो मेरी फोन पर बात हुई थी कि वो गोवा वापस जा रहा है और हमें उसने वहां आने का न्योता दिया था। अंकल, आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा? अभी अभी, मतलब पार्वती के बर्थडे के दिन। मणिशंकर से उसका क्या लेना देना था, वो उसे क्यों मारेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा, हो सकता है उसे किसी और ने मारा हो। नहीं नहीं नहीं, मणिशंकर उस टाइप का आदमी है, लेकिन मर्डर ऑर्डर करने की हिम्मत उसमें नहीं। अच्छा, तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? पापा ने बताया ना, दीदी के बर्थडे पर। मतलब जब से वो यहाँ आए उन्होंने तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं किया? किया था, गोवा में केस हुआ था इसलिए। आज किया था? तो वो यहाँ आने के बाद कहाँ रुके थे, क्या किया था, तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं पता? हाँ कादिर, बोलो ना। मणिशंकर ने कबूल किया है कि वो जीवनंद को जानता है। अच्छा, और आज सुबह वो उससे मिलने भी गया था एक रिसोर्ट में। कौन सा? प्रिस्टीन वैली। प्रिस्टीन वैली? यहाँ के इंस्पेक्टर करण को शक हो रहा है तुझ पर। तेरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर ये दिखा दूं तो तेरा पैकअप। हाँ मैं वहीं आता हूँ। यस सर। अंकल, जीवानंद कहाँ रुका था पता लग गया है, मैं वहाँ जाके आता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल, रखिए। ठीक है। अच्छा भला आदमी था, आजकल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। प्रिस्टीन वैली कैसे जाएंगे? आगे से बाएं। इधर से एग्जिट लेना। हाय करण, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मालूम नहीं था कि जीवानंद कहाँ ठहरा है। अरे भूल गए, तुम्हीं ने तो फोन पे प्रिस्टीन वैली का नाम कहा था। हाँ कहा तो था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवानंद सर को मैं सालों से जानता था, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, अपने घर लाने में उन्हीं का तो हाथ है। तुमसे ज्यादा मैं उन्हें जानता था, मुझे लगा मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात है ना, कहीं कोई सबूत मिटाने तो नहीं आया? ओए, इस कत्ल में क्या तुझे मुझ पर शक है? मैं सारा दिन घर पर था, तुम माँ से पूछ लो। जीवानंद की मौत आज हुई है, तुझे कैसे पता? एक बात बता, तुझे पुलिस में किसने भर्ती कर लिया? भूल गया क्या, पापा ने कहा था जीवानंद ने आज फोन किया था? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। अब इतनी मेहनत करके आए तो अंदर आ जा। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। ये पुलिस का काम है, वो लोग संभाल लेंगे। मणिशंकर ने उसका खून क्यों किया होगा? मुझे क्या पता, तुम्हें तो वो अच्छा इंसान लगता है। हाँ पर क्या करूं, सारे सबूत मणिशंकर के खिलाफ हैं। मणिशंकर से पूछताछ की तो उसने बताया कि जीवानंद ने उसे यहाँ किसी जरूरी बात के लिए बुलाया था, पर जब वो आया तो यहाँ कोई नहीं था, बस फर्श पर ये खून मिला।
और उसी समय उसने यहां से ग्रे कार को जाते हुए देखा। उसका नंबर, मॉडल वो ठीक से देख नहीं पाया, यानी कि उसके आने से पहले यहां कोई और भी आया था। वैसे तुम्हारे घर में भी ग्रे कलर की गाड़ी है ना? हाँ बे, कत्ल मैंने ही किया है। उसने कहानी दी और तुमने मान ली। अगर ऐसा है तो उसने जीवानंद को पहचानने से इनकार क्यों किया? जब लोग डर जाते हैं तो ऐसे ही हड़बड़ाने लगते हैं। अपनी कार की डिक्की में लाश देखकर डर के मारे उसने ऐसा कह दिया होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। साहब, हाँ, क्या कुछ मिला है? हाँ, क्या मिला? साहब जी, यहाँ रुपए रखे हैं। मुझे सुनो। जी साहब। ग्लव्स कहाँ हैं? गाड़ी में रखा है सर। जरा लेकर आओ। जी साहब। ये दिखा दो, तेरा बैकअप। मालिक, मालिक, तुम लोग यहाँ क्या हुआ? मालिक घर पर नहीं है। फोन भी मिला है, नहीं लग रहा है। वो दोनों बाहर जा रहे हैं, शहर से फ्लाइट पकड़नी है। आखिर बात क्या है? वो बात ये कि... अरे बोलिए। बता ना। वो जो आ रहा है उसी ने हमारे बच्चे को मारा है। हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार डालेंगे। तुम ही हमारे बच्चों के कातिल हो। अरे आप लोग शांति रखिए। आप लोग रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक एक करके बताइए। क्या हुआ पता नहीं, तुमने जब करंट दौड़ाया है तारों में, उसी करंट से हमारा बच्चा मरा है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। इन तारों में बिजली की तीव्रता कम है, इसे छूकर कोई जानवर या इंसान नहीं मर सकता। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। उन तारों में खतरनाक बिजली दौड़ती है, हमारे बच्चों की जान हमारी आंखों के सामने गई है।
तुम्हारी नजरों में इनकी जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं? मैडम, हमारा कोई कसूर नहीं है, आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। सर बोलिए ना। आपको लगता है तो आप छूकर देख लीजिए, नहीं तो मेरा आदमी छूलेगा। तुम इन लोगों की जमीन पर कब्जा करने के लिए कोई भी घटिया हरकत कर सकते हो। अपनी प्रॉपर्टी पे फेंस लगाना गुनाह है क्या? 10 साल पहले तुमने कुछ ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर ये जमीन अपने नाम करवाई थी। इस बात का इल्म तुम्हें तब होगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तैयार रहिएगा। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, तुम इन गरीबों की जमीन नहीं हड़प पाओगे, ये यहाँ से नहीं जाएंगे। खामोश हो जाओ, इन्हें वर्ग लाना बंद करो, अपनी औकात मत भूलो। मुझे उंगली दिखा रहा है तू? क्या कर लेगा तू? ये मेरी काट के रख दूंगा। दीदी तुम घर जाओ। चलिए चलिए चलिए। तुम दोनों मिलके जनता को भड़का रहे हो, निकालो इसे। दीदी अब हमारे साथ चलिए। कौन है? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आइए। क्या मसला है दीदी? चिंटू की याद आ रही थी। जब मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूं तो आपके लिए तो और मुश्किल होगा ना। इस पूरे घर में अगर कोई ऐसा था जो मुझे समझता तो सिर्फ वही था। सब जानता था वो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बहुत ख्याल रखता था। दीदी आप रोइए मत प्लीज। क्या जरूरत थी वहां झगड़ा करने की? उसने तुम पर हाथ उठाया था तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। गुस्सा आज भी वो गुस्सा है पर ये गुस्सा कुछ अलग सा है। ये सारे जज्बात पहले वाले श्रवण में नहीं देखे थे मैंने। उसे किसी की परवाह नहीं, बस अपने बारे में सोचता था। लेकिन अब तो तुम्हारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबको खुश रख सको,
तुम काफी बदल गए हो। गोवा में तुमने बहुत कुछ झेला ना। वहां मैं किसी को नहीं जानता था, एक यतीम की तरह था। खुशी और गम क्या होते हैं पता नहीं था। जब भूख सताती तब पैसे नहीं होते थे, मुझे मां बाप की कमी खलती थी। धीरे धीरे समझ में आने लगा सिर्फ घर वाले ही फिक्र कर सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं। मैं भूख बर्दाश्त कर सकता था पर अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगता पैसा सब कुछ है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, किसी को भी धोखा दे सकता था। अच्छा बुरा सब मेरे लिए बराबर था। और यहां आके मैं समझ पाया कि दुनिया में अच्छाई क्या होती है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती थी। छोड़ो भी, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। मोहब्बत में इंसान बदल जाता है, तुम भी और मैं भी। हनुमान जी के मंदिर का है, चलो हाथ दो। 15 साल पहले इसे तुम्हारे लिए लाई थी, अब तुम लौट कर आ गए हो तो मैंने इसे बांध दिया। ओके, मैं चलती हूं। ठीक है। थकेले हीरो, क्या पश्चाताप हो रहा है? अब मुझसे एक्टिंग नहीं हो पा रही है। तो अब क्या करेगा? दीदी मुझे माफ कर देना, मैं आपका भाई नहीं हूं। मैं एक चोर हूं जो श्रवण बनकर आया है। आपने जो मोहब्बत मुझे दिखाई मैं उसके काबिल नहीं हूं। मैं ये नाटक अब और नहीं कर सकता, बेहतर है मैं यहां से चला जाऊं। विकी, दादी आप सबको बताना चाहती थी ना कि मैं आपका पोता नहीं हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप ये सच सबको बता दें, क्योंकि ये बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है मैं नहीं जानता था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दादी।
कौन हो तुम लोग? खत्म कर दे उसे। अरे इसे छोड़, इसके बाप को खत्म कर। जाओ पापा। उतर भागे। अरे मुखिया देख रहे हो, पकड़ा उन्हें। श्रवण, कौन थे वो लोग? पता नहीं कौन थे। श्रवण कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? बेटा श्रवण, मैं ठीक हूँ माँ। कौन थे वो लोग? ठीक है, लगता है चोर थे। जाओगे? शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं। चोर होंगे, घबराओ मत। एक काम करो, कमरे में जाओ और देखो घर में से कुछ गायब तो नहीं हुआ है। यहाँ हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। जाके ठीक से देख लीजिए। अरे तुम जाओ, हमें अपना काम करने दो। अंकल आप कंप्लेंट दर्ज कराओ, बाकी मैं देखता हूं ना। जरूर। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो घबरा ही। आवाज सुन के बाहर आई। इतनी हिम्मत के इस घर में सेंध लगा है। चोरी के मकसद से आए। कौन लोग थे वो? दादी, दादी, अरे दादी, हाँ? क्या हो गया? माँ, दादी, 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 क्या हुआ? दादी? क्या हुआ? अरे उठाओ, नहीं उठाओ, धीरे से संभल कर, आराम से। क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ? हाँ, आराम से। दादी आप ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक है। उठाओ, चलो। दादी आप ठीक है ना? अरे क्या कर रहे हो? अरे उठाओ दादी, आजा आराम से, आराम से। उठो, 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 उठो दादी, आराम से। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दादी थोड़ा जोर लगाइए, बैठ जाइए, संभल कर। पैर देखो, पैर। ठीक हो ना दादी? कैसे गिर गई थी आप दादी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पानी पानी लेकर आओ। आया पिया है। इतना तो तय है कि वो चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि हमें मारने ही आए थे। मणिशंकर अगर जेल में है तो वो छूट गया है। कल ही वो रिहा हुआ है। जमीन की डील आपकी वजह से रुक गई है। वो पैसों का भूखा है। अगर वो जिंदा रहा तो हम सब मारे जाएंगे। मणिशंकर, श्रवण,
हाँ जा। तुझसे अकेले में बात करनी है। तू कैसा? सुना नहीं? चुन्नू को अंदर ले जाओ। जी। तू मेरे बाप को मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत? नहीं, वहीं रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा, जाओ। बच्चे को अंदर ले जाओ। कहाँ ना अंदर लेकर जाओ। बात से पहले हाथ उठाने की तेरी आदत नहीं बदली है ना? मैं कातिल हूं? बढ़िया, क्या दोस्ती निभाई? मैं तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता हूं है ना? गोवा के पुलिस वाले को भी मैंने ही मारा, सही कहा? अरे पुलिस क्या, मैंने तुझे भी मार डाला। अब बोल, तेरी फैमिली को क्यों नहीं मारा? तू जिंदा कैसे है श्रवण? तुम्हें सब पर यकीन है लेकिन अपने दोस्त पर नहीं? चल तू आ मार, मार ना, सब सह लूंगा मैं। पर तू एक बात बता, क्या मैंने तुझे शराब पिलाई? क्या मैंने तुझे ड्रग्स दिलवाई? ड्रग्स के लिए नशेड़ी दोस्तों के साथ उनके पीछे पीछे भागता था तो कौन रुकता था? मैं, तेरा दोस्त, नशा में यूं सड़क पर पड़ा रहता था तो घर कौन पहुंचाता था? मैं तेरा दोस्त। उस रात बाइक लेकर तू आया था, कह रहा था सैर के लिए जाएंगे, तब कितना गिड़गिड़ाया था मैं, कह रहा था मत जा मत जा मत जा। उस रात तेरे सिर पर मारकर मैंने बस एक गलती की थी, उस लॉरी पर छोड़कर भाग गया, पुलिस की वजह से डर गया था, बस वही एक गलती की मैंने, और कोई गलती नहीं की। जब मैंने सुना कि तुम आए हो तो मुझसे रहा नहीं गया, भागा भागा तुमसे मिलने के लिए चला आया। इतने साल तक न जाने वो कितनी गालियां देते रहे। गंजेड़ी तू था, अब मैं कातिल। तूने मेरा बेटा दिखाया, पता है अब दुनिया उसे क्या कहेगी? कातिल का बेटा। मैं इलेक्शन हार गया, जिंदगी हार गया और बहुत कुछ हार गया, लेकिन दोस्ती उस पर दाग नहीं लगने दिया, दोस्ती को जिंदा रखा, समझे? अगर सच कहूं तो तू ही मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। मणिशंकर मैं क्यों डर गया? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे अगर फिक्र है तो घर वालों की। मुझे यहीं रहना होगा। एक बार सोच ले, ये फैमिली मुसीबत में है या श्रवण? तेरे यहां आने से किसी को बुरा क्यों लग रहा है जरा सोच। 15 साल पहले श्रवण कहां गायब हो गया था और उसके लौटने के बाद उसे जान से मारने की कोशिश क्यों होने लगी? इन सब के पीछे कुछ तो राज छुपा है। अब पता करके उसके साथ हुआ क्या था गोंचू। अच्छा माँ, जिस दिन मैं खोया था उस दिन क्या हुआ था? ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बताओ ना माँ। बचपन से ही तुम हमारी बात को तवज्जो नहीं देते थे। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुमने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए पैसे मांगे थे, जब हमने देने से इनकार किया तो तुमने अलमारी तोड़ दी। चोरी चकारी की आदत अच्छी नहीं है बेटा। और उसी दिन से तेरी दादी की ऐसी हालत हो गई है। मालकिन सही कह रही है, उस दिन जब आप घर से लड़कर मणिशंकर के साथ गए थे तब मैं वहीं था। मणिशंकर मेरे साथ था क्या? उस वक्त नहीं था। आपको कैसे पता? जब आप दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे तब सुरेश ने आप दोनों को देखा। इतनी पुरानी बात क्यों जाननी है आपको? बस ऐसे, सुरेश कहाँ मिलेगा? 15 साल पहले की बात है, मैंने तुम्हें ओखला रोड पर जाते देखा था, बाइक पर तुम और मणिशंकर सवार थे। हम ओखला जा रहे थे या वहाँ से आ रहे थे? मैं माल की वापसी के साथ आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ तुम दोनों ओखला जा रहे थे। वो इलेक्शन का वक्त था और मैं बिजी था, ये संजना ने मुझे बताया। मेरे ख्याल से वो तुम्हारे घर गई थी बर्थडे विश करने के लिए। यही हुआ था, उस दिन तुम्हारा बर्थडे था। रात को 12 बजे तुम्हें विश करने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी मैं, पर तुम तो कहीं और ही थे। नाराज तो मैं बहुत थी लेकिन फिर भी तुमसे अगले दिन मिलने आई। तुमसे तो नहीं मिल पाई पर अंकल और ड्राइवर जरूर थे। चाचा, श्रवण अभी तक वापस नहीं आया। वो कल रात से ही नहीं लौटा। पार्वती और पद्मा भी माँ के साथ हॉस्पिटल में। दादी बीमार हो गई क्या? लापरवाह है ना, गिर पड़ी और क्या। मैं श्रवण को ढूंढने जा रहा हूँ। अंकल बहुत टेंशन में थे और तुम्हें ढूंढने गाड़ी में निकल ही रहे थे। राजू काका। हाँ बेटा। जिस दिन मैं खोया था हाँ। मैंने सुना मुझे खोजने के लिए पापा कार से निकले थे। सही सुना,
आप साथ क्यों नहीं गए? उस दिन तुम्हारी दादी अचानक से बीमार पड़ गई थी तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मालिक मालिक लाइए मैं चलाता हूँ। नहीं, पार्वती और पद्मा दादी के साथ हॉस्पिटल गई। हाँ जी, तुम उनकी मदद करो। ठीक है, मालिक, ठीक है। चाचा जी, तुम्हारे पिताजी रात को भी तुम्हें ढूंढते फिरते थे बेटा। पर आप तो हॉस्पिटल में थे। हाँ, तो आपको कैसे पता चला कि वो रात में भी खोज रहे थे? तब तक मैं गांव लौट आया था, देर रात हो गई थी, मैं बाथरूम के लिए बाहर गया था, उसी वक्त देखा कि रात को भी तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे थे। पंद्रह साल बाद लौटे श्रवण को कोई क्यों मारना चाहेगा? उसकी मौत से किसको फायदा है? इस एक्सीडेंट की जगह के आसपास कोई तो सुराग होना चाहिए। सर, लास्ट मंथ की 25 तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखनी थी। डेट करेक्ट है। फॉरवर्ड सर, फॉरवर्ड। हाँ, एक मिनट, थोड़ा पीछे पीछे पीछे, होल्ड, जूम कीजिए। TN42Y7275। क्या काम था? कुमार साहब ने बताया था गाड़ी गैराज में खड़ी है, देखने को बोला था। अच्छा, डंपर खरीदेगा? हाँ, ड्राइवर कहाँ है? यहीं आसपास होना चाहिए। अरे गगन, क्या मसला है? इनको तेरा डंपर खरीदना है। ए पकड़। क्या हुआ सर? डंपर खरीदने तू तो ए रुक, ए रुक। भैया, ये जो आदमी। ओ, एक्सीडेंट वाला केस है ये? भैया, इसका काम तमाम कर दो। मैंने वादा किया था ना कि एक दिन मैं हमलावर को ढूंढ निकालूंगा। यह है वो। ए, तू क्या बकवास कर रहा है? तू नहीं जानता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रंजना, तुम बीच में मत आओ। मुझ पे इल्जाम लगाता है तू। पैसों की खातिर तुम अपनी फैमिली को मारना चाहते थे। झूठ बोलता है। पहले मुझ पर हमला किया, अब पापा पर हमला करके मुझे फंसाना चाहता है। बस कर। करण, अपनी बकवास अपने पास रख।
तू एक नंबर का फ्रॉड आदमी मुझ पे इल्जाम लगाता है। लॉरी ड्राइवर गगन को जानता है? मैं किसी गगन को नहीं जानता। और प्रीतम को? करण देख क्या रहे हो, ले जाओ इस बेहरूपी को। हाथ हटा। ये उस लॉरी का ड्राइवर, ये उस रात घर में घुसा था। अंकल आप इन दोनों को जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ए, चला बता। सर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये शख्स हमें जबरदस्ती मार पीट के डरा धमका के ये बयान लेना चाहता है कि हम सुधाकर को जानते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते। सर हटिया से करण, ये झूठ बोल रहा है करण, निकल यहाँ से। झूठ बोल रहा है करण, अबे झूठ बोल रहा है, चल बाहर निकल, बाहर निकल। पापा, श्रवण ए देख ले, अब समझ में आया असली मुजरिम कौन है? फोन निकाल और देख। श्रवण जो कह रहा है वो सही है क्या? ऐसा करने की क्या जरूरत थी बताइए मुझे। दरअसल बात यह है, विधायक जी के बाद एमएलए का टिकट मुझे मिलने वाला था, बदकिस्मती से ये पता नहीं कहां से आ टपका। उनका नाम मुराद वारिस। मेरे तो सारे सपने ही टूट गए, ये परिवारवाद भी, एक शराब की तरह है बेटी। अब यकीन हुआ? देख श्रवण, संजना अंकल पुलिस स्टेशन चलिए। सॉरी संजना, ये सब होगा मैंने सोचा नहीं था। नहीं सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए। संजना यहाँ अकेले मत रहो, मेरे घर आ जाओ। इट्स ओके, आई बी फाइन, थोड़ी देर अकेले रहने दो। श्रवण, ये कीचे नहीं याद है तुझे? तेरी बाइक की कीचेन है, आखिरी गिफ्ट जो तुझे दी थी। तेरे बर्थडे वाले दिन जब तेरे घर गई थी और तू नहीं मिला, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा इसे ले जाती हूँ ताकि तू इसे लेने मेरे पास आए, लेकिन तू तो आया ही नहीं, बल्कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट वापस ले लिया, तो तू तो हमेशा के लिए दूर चला गया। ऐसा लगता है अगर ये मेरे पास रहा तो तू जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इसे तेरे पास रहने दे, क्योंकि तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है।
अरे श्रवण आना। श्रवण नहीं, विक्की। श्रवण का काम तो बहुत पहले ही तमाम हो चुका है। मेरा मतलब गायब नहीं हुआ, टपक गया। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बताता हूं। श्रवण के पापा बहुत बिजी पॉलिटिशियन थे। इतने ज्यादा बिजी थे कि पॉलिटिक्स के नशे में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका बेटा खुद नशे का शिकार हो गया। श्रवण की सालगिरह के दिन उसने घर पर झगड़ा किया और ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे और गहने लेकर भाग गया। उस रात के बाद वो 15 साल तक अपने घर नहीं लौटा। गांव वाले और घर वाले इसी को सच मानते हैं, पर ये सच नहीं था, क्योंकि वो उस रात वापस आया था और ये राज सिर्फ उसका बाप जानता था। बाप के सामने वो नशे में चूर खड़ा था। बूढ़ी माँ को धक्का देने की वजह से वो उससे नाराज थे और खुद से भी नाराज थे कि उन्होंने अपने बेटे पर ध्यान क्यों नहीं दिया। बाप और बेटे के बीच में हाथापाई होने लगी और उसी झगड़े में शायद गलती से या जानबूझकर बाप ने बेटे को मार दिया। इलेक्शन नजदीक थे, बात खुल न जाए इससे वो डर गया। पावर की भूख बड़ी थी, तब वो एक पॉलिटिशियन से क्रिमिनल में बदल गया। बॉडी को कार की डिक्की में डाला ही था कि वहां ड्राइवर और संजना आ गए। उनसे निपटकर वो कभी इस जगह कभी उस जगह अपने बेटे को खोजने के बहाने लाश को छुपाने की जगह ढूंढता रहा। आखिर में उसने लाश जंगल में गाड़ दी। उसे अपने बेटे की मौत का कोई पछतावा नहीं था। उसने एक प्लान बनाया कि उसका बेटा खो गया है और यह प्लान कामयाब हो गया। गांव वालों की हमदर्दी मिली और वो इलेक्शन जीत गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, फिर अचानक एक दिन कुछ और लोग शामिल हो गए। रिसॉर्ट का बंबू वहीं पर गड़ा। अगर वो खोदते तो उसके बेटे का कंकाल मिलता और वो पकड़ा जाता, तो उसने गरीबों का बहाना बनाकर कोर्ट में केस करके रिसॉर्ट का काम रुकवा दिया। जैसे ही उसे लगा कि बिल्डर के हक में फैसला आ सकता है, तो उसने गोवा से विकी नाम के एक अनाथ का इंतजाम किया जिसे वो अपना बेटा दिखा सके। अगर उन्हें बॉडी मिल भी जाए तो कह देगा कि उसका बेटा तो जिंदा है। कितना खुराफाती दिमाग है आपका। आपको तो दिल्ली में होना चाहिए था। आपकी किस्मत खराब है जो आप इस छोटी जगह पर अटके हैं। और तो और, आपको मालूम था जैसे आप बेटा बना रहे हैं वो क्रिमिनल है और आप जानते थे कि वो ज्यादा दिन यहां नहीं रुकने वाला है, तो आपने उसे अपने सगे बच्चे की तरह अपना राजनीतिक वारिस बना दिया। इस तरह आपने अपने दुश्मन ने उसके दुश्मन बना दिए और उसे उकसाकर रिसॉर्ट वाले से लड़वा दिया। अब इस लड़ाई में ये मर जाता या वो मर जाता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया प्लान था आपका, बस एक गलती हो गई और वो ये। तो तू सब जान ही गया है ना। अब तो हमारे बीच सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है सिर्फ बिजनेस डील। इसमें पूरे 2 करोड़ है और उसके साथ साथ तेरी पर्सनल डिटेल्स भी। जब तक तू मेरे लिए खतरा नहीं है, तब तक मैं भी तेरे लिए खतरा नहीं हूं। धमकी दे रहा है मुझे? जो पॉलिटिकल फायदे के लिए सगे बेटे को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इस फैमिली को तुझसे बचाने के लिए मुझे अगर जेल बजाना पड़ा तो जाऊंगा, पर तेरी वाट लगा दूंगा। श्रवण, फिर से वही गलती। माफ करना मां, मैं श्रवण नहीं हूं। श्रवण इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे पति ने उसे मार दिया। तुम जानती हो, मुझे लगा था मैं ही तुम लोगों को धोखा दे रहा हूं, मगर तुम मियां बीवी मिलके मुझे धोखा दे रहे थे। क्यों? क्यों बताया मुझे? श्रवण, गिरेबान छोड़ो उनका। Thank you.
उस रात माँ को अस्पताल में दादी के पास छोड़ दिया और हम लोग घर लौटे। तब पापा की नजर श्रवण की बाइक पर पड़ी। घर पर ताला लगा था इसलिए वो बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। तेरी इतनी मजाल कि तू दादी पर हाथ उठाए? अरे बर्बाद हो चुका है तू। तेरे इस घर में आने की चुप कर। पापा 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 ठीक तो है ना पापा? रोइए मत पापा, रोइए मत पापा, प्लीज पापा प्लीज रोइए मत। तुम दोनों की कुछ नहीं होगा। परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर मुझसे क्या गलती हुई कि ऐसा नालायक पैदा हुआ? कल इसके प्रिंसिपल कह रही थी कि इसने स्कूल में किसी लड़की के साथ, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा पापा। श्रवण तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा पे हाथ उठाने की? उसने पहले मेरे पे हाथ उठाया। तू पलट के मारेगा उन्हें? इतना बदतमीज हो गया है तू? दादी को मार ही डाला था तूने, उस लड़की के साथ तूने क्या किया? ए? ए, क्या ये? मुझे दे। इसी के नशे में तू ऐसा हो गया ना? बिल्कुल नहीं दूंगी। ए, मुझे दे। नहीं दूंगी तुझे, चल। पापा पापा श्रवण, ए श्रवण, श्रवण नहीं पापा, मैंने इसे मार दिया, मैंने इसे मार दिया पापा। श्रवण श्रवण जय श्रवण, ए श्रवण, मैंने इसे मार दिया, मैंने मार दिया, प्लीज इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं पापा। मैंने कुछ नहीं किया, इससे पहले मेरा गला दबाया था, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। पता नहीं ये कैसे हो गया, नहीं पता नहीं मुझसे कैसे हो गया, मैंने इसे मार दिया, मैंने अपने भाई को मार दिया, मैंने खून कर दिया पापा, मैंने खून कर दिया पापा, मैंने अपने भाई को मार दिया। वो मत कर बेटा पार्वती, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुन, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। पापा, पापा, नहीं नहीं बेटा, नहीं पुलिस से बेटा, पुलिस को मत बुला रहा बेटा, पुलिस को मत बुला, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी पापा। श्रवण श्रवण को तूने, पुलिस को बुलाइए, मैं जेल जाऊंगी। श्रवण को नहीं मारा है पापा, श्रवण मरा नहीं है, मरा नहीं है, श्रवण से भाग गया और वो कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं। अच्छा सुनो सुनो बेटा, किसी को बताना मत कि ये नशा वशा करता था, ये लड़कियां छेड़ता था, अगर लोगों को पता चला तो हर कोई नहीं कहानी गढ़कर हमें बदनाम करेगा। तेरा भविष्य, तेरी जिंदगी, हमारी इज्जत, सब खत्म, सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ बस बस बेटा, तू हिम्मत हिम्मत रख बेटा, तेरा बाप है ना, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मैं अपनी माँ की मदद कर। श्रवण श्रवण कभी नहीं आएगा, श्रवण भाग गया, श्रवण कभी नहीं लौटेगा, सबको छोड़कर नाराज होकर चला गया। मैं नहीं चाहता था कि ये राज घर वालों के अलावा और कोई जाने, इसलिए मैंने ये सारे जुर्म किए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं। नहीं पापा, अब मैं इस भाई को नहीं गंवाना चाहती। एक गुना छुपाने के लिए हमने कई गुना किए, बहुत हो चुका। जो जुर्म मेरी बेटी से अनजाने में हुआ, पिछले 15 सालों से उसके लिए वो पछता रही, लेकिन मैंने तो ये सारे गुनाह जानबूझकर किए, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। प्लीज प्लीज मालिक, आपकी वजह से हमें केस जीते हैं।
सर, हमने इस केस में जीत हासिल की है। अब ये जमीन हमेशा के लिए हमारी हो गई है। अब यहाँ पर होटल रिसोर्ट कुछ भी नहीं बन सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। ऊपर वाला मेहरबानी छोटे साहब की है, हमें उनसे मिलना है। छोटे सरकार को बुलाइए ना, साहब जी उन्हें बुलाइए ना, ये सब बुलाइए की वजह से हुआ है। छोटे सरकार, आइए सरकार, मिलना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। कहाँ जाने का सोचा है? मेरी कोई फैमिली तो है नहीं, ट्रेन जहां ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। मेरा कोई हक नहीं बनता कि तुमसे रुकने के लिए कहूं। यहां आने के बाद तुम्हारी जान खतरे में ही थी, शायद यहां से जाने के बाद अपनी मर्जी से जी पाओ। ये जीना भी कोई जीना है? मैं नहीं जानता मैं कहां पैदा हुआ, फैमिली क्या होती है, बाप कौन है, माँ कौन है, और बहन का प्यार क्या होता है, ये तो मैंने यहीं आके जाना। बहुत बुरा आदमी हूं मैं। तो हम कौन से नेक दिल इंसान हैं? हमने भी तो इतना बड़ा गुनाह किया है, फिर भी दुनिया की नजरों में भले इंसान है। ऐसा मत कहो दीदी, मैं तो उधार का भाई बनकर आया था, पर जब चोट लगी तुम्हें मुझे संभाला। वो एक बुरा बेटा था और उसकी मौत एक हादसा भर थी। इस बात को दुनिया से छुपा के मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कितने सदमे और पछतावे से गुजरे होंगे। परिवार की भलाई के लिए लोगों को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सुना है कि एक बड़ी बहन मां के बराबर होती है, इसे समझने के लिए छोटा भाई बनना पड़ता है। श्रवण इतना लकी नहीं था। हम दोनों के माँ बाप एक थे, सिर्फ इसलिए मेरा भाई था। मेरा यकीन करो, तुम्हारे आने के बाद से माँ पापा बहुत खुश हैं। अकेला मत छोड़ो। आंसू बहाना मेरे लिए नई बात नहीं। खुश रहो, अपना ख्याल रखना। वापस क्यों आ गए? टिकट के लिए पैसा नहीं है। तो मुझसे ले लो। ऐसे बोलेगी तो उतर जाऊंगा। पास मत कर, ठीक से बैठ। जैसे ही घर पहुंचेंगे ना, सबसे पहले नहा लेना, कितनी बदबू आ रही है। देखो दीदी, मेरी पहली कंडीशन है, मैं रोज नहीं नहाऊंगा, मुझसे नहीं होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन तो नहा लेना। हाँ, मेरी दूसरी कंडीशन, हफ्ते में 1 बार पीऊंगा। ओ अच्छा, ठीक है, माँ से पूछ लेना। नहीं, नहीं नहीं, मैं चुपके से पी लूंगा। अच्छा मेरी तीसरी कंडीशन, तुम्हें जल्दी से शादी करनी होगी, नहीं तो मैं कैसे करूंगा? अरे मेरी शादी से तेरी शादी का क्या कनेक्शन? अरे जब तक बड़ों की शादी नहीं होगी छोटा कैसे करेगा? और संजना के बारे में तो सोचो। देखो बात मान लो, नहीं तो मुझे वापस स्टेशन छोड़ दो।